इस महानगर में गैर कानूनी कोई भी काम करने के लिए इसे कमीशन दिए बिना कोई भी काम नहीं कर सकता। इसका दबदबा शहर में इतना ज्यादा है कि हर कोई उसके सामने बौना साबित होता है। इसे 2 महीने पहले कैंसर की बीमारी लगी और आज उसका स्वर्गवास हो गया। इसकी जगह लेने के लिए उसके वफादार शेर सिंह और दुर्जन राजा आपस में लड़ने लगे। मातम मत करो, शांत रहो, शांत रहो। हमारे भाई राजा की जिंदगी जी कर गए हैं, खुशियां मनाने की जगह तुम लोग मातम कर रहे हो। अरे जस्ट नहीं बना सकते तो कम से कम खामोश तो रहो भाई। अरे भाई तो हमेशा मुस्कुराते ही रहते थे, इसलिए कोई खुशी का गीत गाओ तुम लोग। या कोई बढ़िया गाना गा सकता है क्या? चिंचपोकली चल तो गा। मी? नो नो, आई ओनली इंग्लिश। हाँ हाँ, बैठो बैठो, बैठ जाओ। मैंने सुना है आप लोग आपस में लड़ बैठे हो, ऐसा मत करो। तुम दोनों अलग मत हो, एक साथ रहो। भाई ने जीते जी जो समझाया था वही बात आज मैं फिर से कह रहा हूँ। जैसा पहले चल रहा था वैसा ही आगे भी चलने दो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। ए सेक्रेटरी, हम बेकार में नहीं लड़ रहे, तो कुछ नहीं जानता है। बार बार ये कहते जा रहे हो कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं सब कुछ जानता हूँ भाई। एक बात सुन ले सेक्रेटरी, मैं भाई की बहुत इज्जत करता था, इसीलिए तेरे सामने आज यहाँ कर बैठ कर बातें कर रहा हूँ। 1 साल 2 साल नहीं, पूरे 15 साल भाई के साथ रहकर काम किया है। सेक्रेटरी तू ही नहीं, भाई का दायना दुर्जन राजा भी खुद चाहेगा ना तो भी उसके साथ उसके साथियों को सलटा दूंगा। ए, कुत्ते तू क्या बके जा रहा है, जाके कहीं झूठन जा। ए बहन जी, अपनी जुबान को लगाम दोगी तो अच्छा रहेगा। तू एक तरफा फैसला लेने की कोशिश मत कर सेक्रेटरी, मेरे हिस्से कुछ नहीं आया तो सबको काट दूंगा। ए, भाई की उस जगह पर सिर्फ मेरा ही राज होगा। मुझ पर तुम सबको भरोसा है तो चुपचाप मेरे साथ चलो। ए, चलो रे। देखा राजा वो क्या कह के चला गया, इसकी आदत तो भौंकने की है लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। राजा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ही होगे अगले मुखिया, तुम तो मुझे समझते ही हो। ये थप्पड़ किसने मारा कुछ पता नहीं चला, बहुत ही खतरनाक थप्पड़ मारा है मुझे। ए, सेक्रेटरी जो तनख्वाह तुझे मिलती है उसी में अपना घर चला, इसी में तेरी भलाई है, चल जा। लेकिन रुक बे, रुक बे। क्या नाम है तेरा? राजू। और तेरा? अजय। तेरे भाई का नाम? गियर वाली गाड़ी है ना, किक मार के क्लच दबा के फिर गियर से। तेरा नाम क्या है? शिव कुमार भाई। और तेरा? गणेश नाम है लेकिन सब मुझे शक्की कह के बुलाते हैं। तेरे भाई का नाम क्या है? नागार्जुन। काम क्या करता है? माइंस का सारा काम संभालता है। अरे तो भाई भाई आपने मुझे क्यों मारा भाई? मैंने क्या 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 गलती की है भाई? क्या क्या गलती की मैंने? ये हकला क्यों रहा है? नहीं भाई, ये जब घबरा जाता है तो हकलाने लगता है भाई, इसकी हकलाने की आदत बचपन से है भाई वो। ए, मुझे तुझे देखकर तरस आ रहा है, लेकिन तेरे भाई ने मुझ पे तरस नहीं खाया ना। छोटे तेरा भाई अपने आप को तोपची समझता है, जानता है तू? मैंने अपने 4 ट्रक वहाँ लगाए थे और उसे खड़ी पत्थर सप्लाई करता था, किसी गैर ने उससे मेरी शिकायत कर दी और उसने सारी गाड़ियाँ बंद कर दी। खैर उसके बाद जब मैं उससे मिलने के लिए उसका ऑफिस गया तो कुत्तों की तरह मुझे हकाल दिया। वेरी डेंजरस फेलो। मुझे थोड़ा सा डाउट है भाई, इसके भाई ने तुम्हें हकाला तो उसे थप्पड़ मारना चाहिए था ना? इसका भाई बहुत बड़ा ऑफिसर है, अगर उस पे हाथ उठा था तो अटेम्प्ट टू मर्डर के इल्जाम में 10 साल अंदर हो जाता, इसलिए उसका गुस्सा इस पे उतर है। ए, अपने भाई को समझा देना, चले गाल। चल बैठ। तू किस तरफ जा रहा है? वो सामने तक भाई। सामने तक तो बाद में जाना, उसके पहले मुझे मेरे घर तक छोड़ के चल। अब सुन, मैं पहले भाई को छोड़ के आता हूं, तू ये रुका। आइयो चल।
थप्पड़ मारने वाले को उसके घर तक छोड़ने वाला दुनिया में मैंने पहली बार देखा। केले के पेड़ की तरह लंबा हो गया है। ईंट का जवाब पत्थर से देने की जगह मार खा कर आ गया है। माँ तुम भी ना, मैं बात को नहीं बढ़ाना चाहता था इसलिए सहन कर गया। अगर मैं जवाब देता तो चाकू खाता। तुम जवान हो गए हो, बच्चे नहीं रहे। भाभी बचपन और जवानी के बीच बित्ती भर का फासला होता है। एक्चुअली मैं तो देश में आ गया था लेकिन गुस्सा पी गया और मैंने कुछ नहीं कहा। जानते हो क्यों भाई? मान लो तुम्हारे अनुसार मैं उसको दो चार थप्पड़ रसीद कर देता तो कल को वो चार लोगों को लेकर हमारे घर के दरवाजे पर आ जाता। अगर हम सब मिलकर उनको भी दो डालते तो वो 40 को लेकर आ जाता। हम उनको मार पाते क्या? नहीं ना, हाथ पैर टूटेंगे, सिर फूटेगा, पुलिस स्टेशन कोर्ट का चक्कर, ऐसे में दुकान कैसे खोलेंगे? और अगर दुकान का लोन नहीं चुकाया तो वसूली भाई खड़े हो जाएंगे। कर्जा चुकाने के लिए घर बेचना पड़ेगा और भाड़े के घर में रहने के लिए डिपॉजिट देना पड़ेगा। सोचो ना, चार लोग इस घर में सुकून से रह रहे हैं, अब इसे बेचना समझदारी है क्या? सुनिए भाभी, इसीलिए मैं सब कुछ सहन कर गया। देखिए सारे प्रॉब्लम सॉल्व, एक थप्पड़ दुश्मनी खत्म। पापा भी मारते थे, ये भी वैसा ही था। हमें हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। आखिर कहना क्या चाहता है? माँ तुम बिना तेरा लड़का नीचे गिरने के बाद भी नाक को ऊपर रखना जानता है। चलवी, तेरी पहुँच और पकड़ का सहारा लेकर इस नालायक को भी कहीं न कहीं अपने साथ लगा ले, सुधर जाएगा। क्यों आप लोग मेरे चाचू के पीछे पड़े हो? मजाक सूझ रहा है क्या? देखना, एक दिन वर्ल्ड कप लाकर आपकी चौखट पे रख देंगे, तब सभी लोग मेरे चाचू की आरती उतारने भागेंगे। वर्ल्ड कप? गुड़िया कुछ ज्यादा ही बोल गई ना तू। कोशिश करो तो ला सकते हो चाचू। ऐसा है क्या? आप सभी लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, ये खुशी की बात है। एक हफ्ता और सब रखिए आप लोग। 13वीं के बाद जिस तरह आप लोग का बिजनेस चलता था वैसे ही चलने लगेगा। मैं हूं ना, बेफिक्र होकर जाइए। छोटे कोई भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं, ये फैक्ट्री आज चल रही है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो रामू है ना। पापा, हमारे क्लास टीचर ने आपको स्कूल में बुलाया है। तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो? चुपके से जाके लड़की से मिल आए और अब मुझे बता रहे हो कि लड़की बहुत ही सुशील है। रुको, मैं लड़के से बात करके दोबारा फोन करता हूँ। सुना ना तूने, वो तो गधा है। तूने फोटो देखी क्या? क्या इरादा है तेरा? उसने भी देखी है। उसको पसंद है क्या? लड़की तो ठीक है मगर उसके कैरेक्टर के बारे में कोई जानता है क्या? क्या कैरेक्टर? लड़की को देख के उससे बात करके भी आए हैं। लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है और समझदार भी है, अच्छी जगह पर नौकरी करती है। अब सारा फैसला तेरे हाथ में है। ए, कहां जा रहा है बिना जवाब दिए? वो आपको इतनी पसंद है तो आप ही शादी कर लीजिए। ए, ये क्या बोल रहा है? और नहीं तो क्या माँ, भले वो लड़की खूबसूरत हो लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता। जिंदगी का सवाल है माँ, उसका कैरेक्टर मुझे पसंद आना चाहिए और मेरा कैरेक्टर उससे। चाहे जो भी हो मैं उस लड़की से मिलने के बाद ही शादी का फैसला करूँगा। बहुत ही अच्छी सोच है। अब तुझे उससे मिलना भी है और फिर कहेगा कि उसको परखना भी है और कुछ दिन बाद कहेगा कि मुझे पूरे खानदान को परखना है। इसमें आखिर बुराई क्या है अंकल? मेरा बाप माँ के आतंक से एक दिन भी घर में नहीं टिक पाता था। माँ इतनी लड़ाकू है कि उसके डर से हम लोग ऊपर टेरिस में जाके सोते थे। मेरा बाप अगर शादी से पहले माँ से मिल लेता ना और उसके खानदान के बारे में अच्छी तरह से पता कर लेता ना तो आज अपना घर छोड़कर यहाँ पे नहीं पड़े रहते, समझे? ऐसी बात है गणेश, तूने तो आज तक मुझे ये बात नहीं बताई। आज तो लगता है मेरी इज्जत की ऐसी तैसी होने वाली है बेटा। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। अरे इस तरह की कोई बड़ी तरह कोई बात नहीं है। तू यहाँ कब आई? वो तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकलता रहता है। खाना खाने तो घर पर आएगा ना। अरे माँ, अरे माँ, अरे मेरी बात का बुरा क्यों मान रही है? ओके गुड़िया बाय। चाचू टाइम क्या हुआ है पता है? टाइम मुझसे पूछो, मैं बताती हूँ। ठीक है, क्या टाइम हुआ? मम्मी अपने घर के कामों में लगी होगी, पापा अपनी ड्यूटी पर पहुँच गए होंगे और आप मुझे यहाँ छोड़ने आए हैं। सोचो टाइम क्या हुआ होगा। बाय। चालू तो हो जाएगा ना? इसमें तो नंबर डिस्प्ले भी ठीक से नजर नहीं आ रहा है। कितने साल पुराना है ये? 13 साल पुराना। 13 साल पुराना? हाँ। वेरी गुड। आजकल तो बीवियां भी 13 साल तक पति का साथ नहीं देती हैं भाई। सुन यार, ये देख, ये तुझे चलेगा क्या? अरे देख क्या रहा है, ले जा, चल जाएगा।
राजा तू हमारी पार्टी का है, तेरे लिए हम कुछ भी करेंगे, तू जरा भी चिंता मत करना, कुछ भी काम है तो बता। मैं देखता हूं। तू हमारा अपना है, हम तेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, तू बेफिक्र रह। हम लोग बेलगाम घोड़े हैं, हथियार उठाकर रखना नहीं जानते। हेलो राजशेखर, अंदर बोलिए, बताओ क्या चाहिए? कुछ नहीं सर, यहाँ कुछ सामान फालतू पड़ा है तो सारा सामान मैं उठवाकर ऑफिस भिजवा रहा हूँ सर। हाँ ठीक है, भिजवा दो। ओके सर। सर 60 फीट तक की हमने परमिशन दी है और आप उससे ज्यादा खुदाई कर रहे हो। मैंने फोन कर दिया, मालिक आते होंगे। हाँ बोलो छोटू। हाँ ब्रदर, आपने किसी आदमी को मुझसे फोन लेने के लिए बोला है क्या? 1 बजे ऑफिस पहुँचकर बात करता हूँ। ठीक है, मैं भी फोन लेकर आता हूँ। भाई साहब नया फोन है, 6 घंटे तक चार्ज करने के बाद इस्तेमाल करना। ओके भाई। ब्रदर मैं चलता हूँ। 1 मिनट रुको, मैंने एक वकील की लड़की से बात की है, वो तुमसे संडे को मिलने के लिए तैयार है। हाँ आप मिल लीजिए, आपको अच्छी लगी तो मैं मिलूंगा। हाय। चाचू जब मैं ओके करूंगी तभी आप हाँ करना। ओके। काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। नहीं बस सिर्फ 1 ही घंटा हुआ है। ओके। एक्सक्यूज मी, आप लोग क्या लेंगे? क्या लोगे? ये क्या खा रहा है? लगता है बहुत टेस्टी है। You'll have cold coffee? Okay. 2 cold coffee. ठीक है, और वनीला आइसक्रीम। Vanilla is boring. We'll have strawberry. Huh? 2 cold coffee and 1 strawberry ice cream. Okay? Okay, ma'am. Make it fast, huh? जी। आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं। आपको तो बहुतों ने प्रपोज किया होगा। अभी तक 27 लोगों ने किया। But मैंने सिर्फ 2 ही लोगों को किया है। मेरा first love school में दिनेश नाम था। Smart भी था और पढ़ाई में भी अच्छा था। पहले हम अच्छे फ्रेंड्स थे, उसके बाद एक दिन मैंने प्रपोज कर दिया। बट वो क्या है ना, उसके अंदर छोटी सी ईगो प्रॉब्लम थी। हाँ। तो मैंने मना कर दिया। उसके बाद कॉलेज के फाइनल ईयर में कार्तिक, उससे जब भी मैं मिलती थी समय ऐसे कटता था। हाँ। कुछ पता ही नहीं चलता था, लेकिन लिमिट्स क्रॉस नहीं की। और कुछ समय बाद हमारी दोस्ती आगे नहीं चल पाई। मतलब? तो मैंने खुद उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया। और आप? नहीं नहीं, मैं उस किस्म का लड़का नहीं हूँ। इतना झूठ मत बोलिए, कोई ना कोई तो जरूर पसंद आई होगी। सीरियसली कह रहा हूँ मैं। अरे होगी, बताइए ना। एक्चुअली मेरी लाइफ में भी एक लड़की आई थी। चाचू। हमारे बीच में कोई प्यार नहीं था गुड़िया, बस हम क्लोज फ्रेंड्स थे, साथ में घूमते, साथ में खाते। कॉलेज छूटने के बाद मैं उसे घर छोड़ता, इसके बाद अपने घर जाता। सारे दोस्त लोग मजाक उड़ा कर कहते हम लवर है। मैंने भी एक बार उससे प्रपोज करने का सोचा, बट उसकी क्लास बदल गई। क्लास बदल गई? जब 6th से हम 7th में गए तो वो गई A सेक्शन में और मैं आ गया B सेक्शन में। 6th टू 7th क्लास के समय ये कोई लव स्टोरी हुई? ये तो फ्लैशबैक हुआ ना। यही सच है। लाइए। ये लीजिए। हमने तो कोल्ड कॉफी कही थी, ये क्यों ले आए? नहीं मैम, आपने तो नॉर्मल कॉफी ऑर्डर किया था। नॉनसेंस, आई ऑर्डर फॉर कोल्ड कॉफी। हाउ डे यू चेंज माय ऑर्डर? सॉरी मैम। तुम अभी मैनेजर को बुलाओ, आई नीड टू टॉक टू हिम। ऑर्डर कैंसिल। शिट, दिमाग खराब कर दिया। सिर्फ एक ऑर्डर कैंसिल करने की वजह से उस लड़की को रिजेक्ट करना ठीक नहीं होगा गुड़िया। थैंक यू। ऑर्डर कैंसिल करने की वजह से उसे रिजेक्ट नहीं किया चाचू। उसके लिए 4 पॉइंट है। वो क्या? वन, लेट आई मगर उसने सॉरी नहीं कहा। अरे हाँ यार। सेकंड,
आपसे पूछा भी नहीं कि क्या लोगे। आपके बताने से पहले ही कोल्ड कॉफी ऑर्डर कर दी। मैंने वनीला मांगा और उसने स्ट्रॉबेरी मंगाई। और चौथी बात, उसका पहले ही दो लड़कों के साथ ब्रेकअप हो चुका है। और क्या गारंटी है कि आपका साथ निभाएगी और शादी के बाद उन दोनों की तरह आपको भी छोड़ दे तो? पहली मीटिंग में ही तुमने डाइवोर्स का फैसला सुना दिया, सुपर गुड़िया। अच्छा गुड़िया, एक छोटी सी बात पूछो, तुमने ये सब कैसे जान लिया? ये तो कॉमन सेंस की बात है चाचू। ये तो बहुत ही समझदार है। इस खदान में उससे पहले मैं आया और वो मुझे आंखें दिखाई, ये मुझे पसंद नहीं। पहला हक मेरा बनता है। देखो, तुम दोनों इस तरह लड़ते रहोगे तो किसी का भला नहीं होने वाला, बीच में कोई तीसरा ही फायदा उठा ले जाएगा। मैं आना नहीं चाहता था क्योंकि तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है इसलिए आना पड़ा। मैं चाहता हूँ तुम दोनों मिल के काम करो। मुझे लड़ाई झगड़ा करने का कोई शौक नहीं है, ये बात उसे समझाई है, उसके बाद देखते हैं। इस तरह जिद करोगे तो सब कुछ बिखर जाएगा। समझदार हो तुम, दिमाग से काम लो। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एक्सपोर्ट, रियल एस्टेट तुम संभाल लो, ग्रेनाइट, ट्रांसपोर्ट और फॉरेन रिटर्न्स राजा देख लेगा। भाई, ग्रेनाइट से एक महीने में कितनी कमाई होती है पता है आपको? हाँ, खदान छोड़े हुए आपको 15 साल हो चुके हैं, बाजार का क्या हाल है आपको मालूम नहीं। भाई, दुगलापन मुझे पसंद नहीं आता। आने वाले 2 दिन के अंदर दुर्जन राजा इस दुनिया में रहेगा या फिर मैं रहूंगा। सुनो, जो रातों रात आसमान छूने की कोशिश करते हैं ना, वो कहाँ गायब हो जाते हैं पता नहीं चलता है। तुम्हारी बात मुझे सही नहीं लगी, मैं चलता हूँ। रवि का एनकाउंटर करना है इसलिए कमिश्नर को बदलने के लिए कहा है। हाँ भाई साहब, बात तो सही है, मगर कमिश्नर को बदलना इतना आसान काम नहीं है। डिपार्टमेंट कोई भी हो, फाइनल डिसीजन CM साहब ही लेते हैं। क्या भाई साहब, अगर आप मेरा ये काम करवा देंगे तो मैं आपको आपके फायदे की बात बताऊंगा। काम की बात मुझे? बताओ राजा, ऐसी कौन सी बात है? आज से 4 साल पहले एयरपोर्ट के पास डोंगर गांव में धनी आदमी का चेला नारायण स्वामी ने उसके सारे परिवार को खत्म कर दिया था, यही सोच रहे हैं ना? हाँ, तो उसके लड़के कल्लू पांडे और चिकना पांडे मरे नहीं है। ये क्या कह रहे हो? वो आंखों में तेल डालकर आपको मारने का इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ भाई साहब, यकीन नहीं हो रहा है? कुन्नूर में आपका साला रहता है, फोन करके पता कर लीजिए। हाँ कहिए जीजा जी। कल्लू पांडे और चिकना पांडे जिंदा है क्या? हाँ जिंदा है, लेकिन वो तो कल्लू पांडे और चिकना पांडे अभी भी जिंदा है क्या? हाँ वो भी जिंदा है, मगर ये बात अब तक मुझसे क्यों छुपी रही? हाँ जी, लेकिन आप अभी मिनिस्टर बने हैं तो मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहता था। जब देखो बहाने फोन रख, बेवकूफ कहीं का। घबराइए मत भाई, वो दोनों कहाँ रहते हैं मैं जानता हूँ, बस आप मेरा काम कर दीजिए तो चलता हूँ। काम पे जा रहे हो? हाँ आंटी, आपकी बच्ची स्कूल गई क्या? वो तो 7 बजे चली गई। आप यहाँ महीने भर से और मैं आपकी बच्ची से मिला ही नहीं। शाम को जैसी आएगी घर पे भेज दूंगा। मुझे काम से आते आते रात को 10 बजे आते, चलता हूँ। अरे सुनो बेटा, मम्मी है क्या? भाड़ा देना क्या? एक मिनट माँ। हाँ। किरायेदार आंटी किराया देने आई है। हाँ, अंदर भेज दो। ठीक है, जाइए, बुला रही है। ठीक है। ए, देखो उसे, आज कोई त्योहार है क्या? आ यार, नई शर्ट, शानदार चश्मा और नए जूते। माँ मुझे आशीर्वाद दे। इसी लड़की से मिलने जा रहा है क्या? या कौन है वो? यार वो लाइफ इंश्योरेंस वाली लड़की जो मुझे बार बार फोन करती थी ना। हाँ हाँ, सोच रहा हूँ उसे अपना लाइफ पार्टनर बना लूँ। फोन पे बात हो गई है मेरी उससे। ठीक है, तो उस लड़की से मिला कि नहीं? नहीं यार। तो उसका फोटो देखा होगा? सरप्राइज विजिट करना है इसीलिए सब अवॉइड किया, पहली मुलाकात में फाइनल हो जाए इसलिए जा रहा हूँ। अरे यार, अगर उसने तुझे देखकर मना कर दिया तो क्या करेगा? फोटो के साथ फेरे लेगा। काली जुबान, कभी सही बात नहीं निकलती मुझसे, शुभकामनाएं भी टोकता है। अरे यार, तू जरा गौर से सोच के देख, तू वहाँ पे जाकर उसे मिलेगा और वो उल्टा बोलेगी कि वो किसी और से प्यार करती है और उसी के साथ वो शादी करना चाहती है, तब तू क्या करेगा बोल? ऐसी गलत बात क्यों कर रहा है? गलत बात नहीं कर रहा हूँ दोस्त, तेरे साथ गलत ना हो जाए इसीलिए कह रहा हूँ। तू आखिर कहना क्या चाहता है? अरे यार, तू सारी बात जाने बिना कोई भी फैसला मत कर बैठना, पहले लड़की से मिल, अगर लड़की अच्छी हुई तो बात आगे बढ़ाएंगे, नहीं पसंद आई तो बात खत्म कर देंगे। यार वो लड़की कैसे कपड़े पहन कर आएगी बताया तुझे? तू तो ऐसे बोल रहे जैसे तुझे बता की गई है। ए, पूछना कहाँ तक पहुँचा, आते ही होंगे यार। ए, वो है क्या? वो आ जाएंगे। मान गए यार, प्यार से पहले इज्जत करने लगी। वो नहीं है यार, ये उसकी बहन होगी, लेकिन कितनी सुंदर है यार। यार इसके बारे में तेरा क्या इरादा? मेरा नहीं, इसका पूछ।
ए, अबे तू बता ना। ए, ए, सपनों का राजकुमार ऐसे झूम क्यों रहा है बे? मैं थोड़ा सोच रहा हूँ, आजा सोचते हैं। चल। ए, इनका ही है। हेलो। हेलो, मैं बोल रहा हूँ, तुम पहुँच गए क्या? हाँ मैं पहुँच गई, और आप? हाँ मैं भी पहुँच गया, तुम्हारे पास ही हूँ मैं। थोड़ा सा चेंज है, तुमने ग्रीन ड्रेस पहन कर आने के लिए कहा था ना मुझसे, लड़की पढ़ाने को, लेकिन मेरी माँ को वो कलर पसंद नहीं आया है, इसलिए मैं उसकी पसंद से व्हाइट शर्ट पहन कर आया हूँ, लेकिन पैंट मैंने काली पहन रखी है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक्स थैंक्स। इस समय तुम कहाँ पर हो? कमला, हाय, कैसी हो? मैं गणेश। ओ हाय, ये मेरी फ्रेंड है रमीला। हेलो, नमस्ते। ये लोग मेरे दोस्त हैं। हाय। हमारी पहली मुलाकात मंदिर में हो रही है, इसका मतलब? मेरा नाम शिव कुमार है। तुम सच में? आई एम ऑलरेडी कमिटेड। ओके, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आज तक तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की देखी ही नहीं। और तुम इतने काले हो गए, मैंने कभी सोचा भी नहीं। कितने सालों से तुम्हारा प्यार चल रहा है? 7 सालों से चल रहा है। कौन सा नंबर का लाओ? हेलो, ये मेरा फर्स्ट लव है। क्या बात है, कोई लड़की किसी लड़के से 7 साल से प्यार कर रही है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। वाकई ताजुब की बात है, एक्चुअली मैं बात ही क्या हुआ बताना। हेलो, अरे बताना क्या हुआ। अरे यार, मैंने मजाक में उसे बता दिया उस दिन जो लफड़ा हुआ था। तूने सही कहा था यार। कमला मेरी बात सुनो। कमला सॉरी कमला, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो बस मजाक में यूं ही। कोई तीसरी मिलेगी तो मुझे भी छोड़ दोगे ना? ऐसा कुछ भी नहीं है कमला, किसी से मुझसे मिलने की बात करना। कमला मुझे एक मौका तो दो। कमला, मैं खोल देती हूँ। मैं ठीक है। कोई बात नहीं, दीजिए। बता रहा यार क्या हुआ? मैंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की यार, मगर कोई फायदा नहीं हुआ, सब इस काली जुबान की वजह से हुआ है। अरे सुन ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। क्या यार, कटिंग के टाइम पे बात करते हैं। चल चल। तूने कटिंग बोला तो मैं समझा कि कटिंग चाय पिलाएगा, अगर ये कटिंग पता होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। मुझ पे हंस रहा है तू? एक्सक्यूज मी मिस। एक्चुअली मेरा नाम घबरा मत, हिम्मत रख यार, कूल कूल। शिव कुमार। आप मुझे नहीं जानती, अब मैं आपको जानता हूँ। अब मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। मिस, उस दिन मंदिर में एक बैड बॉय आपका पीछा कर रहा था ना, ये बैड बॉय वही है मिस। ये गुड बॉय, गुड। मिस, मैंने आपको मंदिर में देखा था, लेकिन आई एम नॉट द बैड बॉय, सिर्फ आपसे 2 मिनट बात करके साबित कर सकता हूँ। इतनी जल्दी आप मेरी बात मान जाएंगी, विश्वास नहीं था। कोई भी आपको ऐसे बुलाता और आप चली जाती हैं। हेलो। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अपने गांव में ही घर बसाना चाहता था, लेकिन फिर भी इतनी दूर मुझे आना पड़ा। मैं अपने परिवार के बारे में बताता हूँ। पापा अभी रिटायर हुए हैं, भाई माइनिंग में है, और मेरी माँ जो है वो। कहना क्या चाहते हो? सीधे मतलब की बात करो। सीधे मतलब की बात करूं? ओके, सच तो ये है कि वो देखिए कितनी खूबसूरत बच्ची है। हमारी भी इसी तरह 2-3 खूबसूरत बच्चे होंगे, आई मीन शादी के बाद। ओके फाइन, बट हस्बैंड से बात करनी पड़ेगी। अब हस्बैंड बच्चिया और मंगलसूत्र, तुम शादीशुदा हो ऐसा लगता ही नहीं। वो तुम्हें दिखाने के लिए कि मैं शादीशुदा हूँ, इसका कोई सबूत नहीं है मेरे पास। तुम मजाक कर रही हो ना? मैं मजाक कर रही हूँ। इस तरह बीच रास्ते में अनजान लड़की से शादी की बात करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? देखिए सीरियसली, मैं अपनी शादी की बात करना चाहता हूँ। किसी भी लड़की से मैंने ऐसी बात नहीं कही।
ये बात है, सॉरी मुझे आप पसंद नहीं हो। हेलो, एक्सक्यूज मी, इफ यू डोंट माइंड, मुझे आप मेरे घर तक छोड़ दोगे प्लीज? पिकअप करने से पहले ही ड्रॉप करने की बात कर रही हो तो कौन इनकार करेगा, प्लीज। थैंक्स। जहाँ आपको ड्रॉप करूंगा कल वहीं से पिकअप भी करूंगा क्या? मैं ऑटो से चली जाऊंगी। नहीं नहीं, जाने दीजिए, मैं ड्रॉप करता हूँ, बैठिए। बस बस यही रुक दो। थैंक्स। इसकी क्या जरूरत है, अब फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा तो फर्स्ट नाइट की याद आ गई। ये क्या बोल दिया, सॉरी, वो बस शादी की बात दिमाग में चल रही थी ना तो मुंह से निकल गई, बस समझा कीजिए मेरी बात को। ये क्या, मैं बातों बातों में तुम्हें अपने एरिया में ले आया, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे एरिया में छोड़ देता हूँ। लेकिन रास्ता तो तुमने ही बताया था ना। हेलो, हमें आपके घर में किराए पर रहते हुए एक महीना हो गया है। आप मेरे मकान मालिक के बेटे हो, इसीलिए आपके साथ गाड़ी में बैठकर यहाँ तक आई हूँ। और ये आपका कौन सा रूप है, मोहल्ले में एक शरीफ लड़के की तरह सिर झुकाकर घूमते हो और बाहर लड़की को शादी के लिए प्रपोज करते हो। रुको, तुम्हारी माँ से अभी शिकायत करती हूँ। अरे सुनिए, माँ से ये बात कहने की क्या जरूरत है, अरे ये तो हमारे दोनों के बीच की बात है। अब बाहर जा रही हो माँ? हाँ, मैंने चाबी ऊपर रख दी है, जाके ले लेना, मैं सब्जी लेके आती हूँ। ठीक है। आंटी, ये लड़की कौन है? मेरी बच्ची है बेटा, स्कूल से आ रही है। बच्ची है स्कूल से आ रही, मैं समझा नहीं। टीचर की ट्रेनिंग पूरी करके स्कूल अभी ज्वाइन किया है। बच्ची इधर गई है, बच्ची उधर गई है, बच्ची स्कूल गई है, आप ये कहती रही और मैं समझता रहा कि आपकी बच्ची छोटी सी 8-10 साल की होगी। ये नहीं सोचा था कि वो इतनी बड़ी होगी। एक्चुअली आप भी इस समय 16 साल की लग रही है ना बेटा, क्या मजाक सोच रहा है। सही कहा आंटी, तुम कैसे जानती हो? अरे मैं सच कह रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। 5,000, इतने कम में काम चल जाएगा क्या? अरे मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, नथिंग। अरे माने नहीं, तेरा फोन है, आती हूँ माँ। तू बता ना यार, तूने कहाँ तक तैयारी कर ली है? हाँ जी हाँ। हेलो। हेलो, इस नंबर से मुझे एक मिस्ड कॉल आई थी। मिस्ड कॉल? मैंने तो नहीं किया था। तो फिर आपका नंबर मेरे पास कहाँ से आया? आपका फोन आया था तभी तो मैंने फोन किया। ऐसा क्या? इट्स ओके, आपके हस्बैंड को फोन दीजिए। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। तुम्हारे पिता? नहीं, दरअसल वो ऊपर चले गए क्या? हेलो, मेरे पापा हैं और वो काम पर गए हैं। दैट्स ओके, घर में कोई लड़का हो तो उससे पूछिए, फोन उसने किया था क्या? आखिर आप चाहते क्या है सर? यू आर श्योर तुमने फोन नहीं किया था? नहीं किया। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बाय। मान गई, फिर से करता हूँ। मैं बेसिकली एक अच्छा लड़का हूँ और मुझे सादगी पसंद है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। हेलो, हाँ बोलिए ना। हेलो हेलो, कौन? मैंने डिस्टर्ब किया क्या? डिस्टर्ब? हेलो हेलो, बोलिए। मेरे पास आपके नंबर से एक मैसेज आया है। मैसेज आया है? अभी आया? ऑफ कोर्स, मैंने तो नहीं भेजा है। हेलो, मुझे बेवकूफ समझती हो? मेरा नंबर तुमने मेरी किसी फ्रेंड से लिया है क्या? मुझे जाने बिना तुम मुझसे बात कर रही हो? हेलो, आप कौन है? मैं जानती हूँ। क्या जानती हो? हमारे मकान मालिक के बेटे शिव है ना आप? क्या हुआ सर? हेलो, सिग्नल अभी तक कट नहीं हुआ है। सिग्नल कट गया होगा। हाँ कट गया होगा। कैसे पहचान गई वो? अब क्या किया जाए, फिर से नाटक शुरू। यार वो 5,000 का क्या करूँ, तू एक काम कर, अपना अकाउंट नंबर दे दे, मैं उसमें डाल देता हूँ। यार मेरा दिमाग बहुत डैमेज हो गया, मैं घर से बाहर आकर तुझे बात करता हूँ, ठीक है? सब लोग तो बाहर आ गए हैं मगर वो नजर नहीं आ रही। अरे आ जाएगी यार, तू घबरा मत। रानी सो जा बेटा। ये क्या है? किताब नीचे कर। पढ़ रहा हूँ। पड़ोसी का लड़का यहाँ क्या कर रहा है? ए उठ, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं नहीं कर रहा हूँ भैया। एक दूंगा, इतनी छोटी उम्र में सब करता है? नहीं भाई, ये कविता मुझे ठीक से याद नहीं हो रही है, इसलिए मैं इसके पास आ गया। देखा तूने, तू खुल्लम खुल्ला लड़की पटा रहा है, चल यहाँ से। अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर लफड़ा चालू है ना, इसलिए मैं इधर चला आया।
किधर? अरे वो वहाँ चालू है ना, चाहे जाकर देख लो। ए, किधर है? वहाँ कोपचे में। अरे इसकी तो यार, इसका तो पूरा खानदान ही ऐसा है। तू इसे पकड़। ए, हाँ, चलना भाई। छोटे, सही रास्ते पर चलना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मेरी वाली नहीं दिखाई दे रही है। ए, ये कौन है तेरे साथ? आपने इसको पहचाना नहीं भैया? खींच के दूंगा तुझे, मैं जानता हूँ कौन है ये। भाई है। भाई यार नहीं होता, समझी? भाई का नाम खराब करेगी तो मार के लाल कर दूंगा। ए, ए, अपना चेहरा दिखा। ए, ए, कहां से आया रे तू? ढाके कॉलोनी से आया हूं। दूध के दांत टूटे नहीं और जवानी जोर मार रही है। कब आया रे तू? लाइट जाने से पहले आया हूं। लाइट तो अभी 5 मिनट पहले गई है। ये देखो फेसबुक पे इसने फोटो पोस्ट किया। बेटी, सो जा ना। अच्छा फोटो। नहीं माँ, क्यों? तुम सो जाओ ना माँ, 120 पेपर्स का करेक्शन करना है और उसके बाद और भी काम है। अरे सुबह देख लेना बेटी, सुबह देखूंगी तो पूरे पेपर खत्म नहीं होंगे माँ। पोस्ट कर दूंगा। कितनी भी देर हो जाए, लाइट आने के बाद पूरे पेपर करेक्शन करके ही सोऊंगी। तू तो मेरी कभी बात सुनती नहीं, तुझे जो करना है वो कर। दोस्तों का है इसमें। अरे बहुत देर हो गई। हेलो, हाँ मैं हूँ यार। हाँ हाँ सब ठीक है। हाँ, अरे ऐसा कुछ नहीं है, एक छोटी सी शिकायत है, हमारे एरिया की लाइट चली गई है। तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करके हमारे यहाँ की लाइट चालू करा देते तो। देखो ये कंप्लेंट डिपार्टमेंट नहीं है, वो डिपार्टमेंट क्या? है क्या वो अलग डिपार्टमेंट है? तुम्हारा अलग है? तू तो हमेशा कहता रहता ना कि पुलिस कमिश्नर तक तेरी पहुँच है। देख मैं वो सब नहीं जानता, तू कैसे करेगा मैं नहीं जानता, बस तुरंत लाइट आ जानी चाहिए। एक तो बिजली की कटौती चल रही है और तू बात को कमिश्नर तक ले जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना, चालू हो जाएगी तो चालू हो जाएगी। और बनता है पुलिस कमिश्नर। अरे यार क्या है ये, बड़ी बड़ी क्यों हाँक रहा है तू? और कुछ नहीं यार, अपने दिन भर की सारी बातें। लाइट आ गई। मम्मी लाइट आ गई, चलो अंदर चल के सो। लगता है तेरा तीर सही जगह पे लग रहा है यार। हेलो। हाँ बोल। एक मिनट रुक, लाइट आ गई तो अंदर जाओ ना। हाँ, ए, अंदर जाके। हाँ, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। तेरी फोटो आई अभी, तूने देखी क्या? तो तूने कहाँ देखी यार? फेसबुक में देखी है यार। फेसबुक पर? फेसबुक पे मैंने ही डाली थी। मैं फोन करता हूँ। क्यों? अरे छोटू, तुम्हारी पहुँच कमिश्नर तक है, क्या ये हम नहीं जानते हैं? इस उम्र में बूढ़ी अम्मा के पास बैठकर गप्पे मारना चाहिए, उन्हें छोड़कर जवान लौंडो की तरफ फेसबुक पर चिपके रहते हो, ये बात आपको शोभा नहीं देती है? फेसबुक पे अपना नाम डालकर तूने उसकी अभी भी जवान है। गुड मॉर्निंग सर। आओ बैठो। नमस्ते भाई। इनसे मिलो, ये हमारे मित्र हैं। इनके कहने से ही तुम्हारा तबादला हुआ है, तुम्हें इसकी मदद करनी है। हाँ क्यों नहीं सर। ए दुर्जन, कमिश्नर बदलवाया कोई बात नहीं, लगता है उसके हाथों मेरा इनकाउंटर करवाने का प्लान बना रहा है तू। ए, ये बात तू समझ गया, मैं बोल बचन नहीं करता, करके दिखाता हूँ, इसीलिए सीना ठोक के कह रहा हूँ मैं। कमिश्नर और मिनिस्टर तक तेरी पहुँच है, इसीलिए तू इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है ना। आज से ठीक 3 दिन के अंदर मैं तुझे दुनिया से उड़ा दूंगा। क्या 3 दिन में? तेरा खेल तो मैं आज रात को ही खत्म करवा दूंगा। ए दुर्जन, जरा पलट के तो देख। नमस्ते सर, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। ए, तेरी इतनी हिम्मत हो गई है? तू अपने आप को बहुत बड़ा डॉन समझता है क्या? मेरे ही आदमी को मारकर मुझसे अपॉइंटमेंट लेने आया है तू? फोन बज रहा है सर। हाँ बोलो शुक्ला। हाँ जीजा, कल्लू रमेश और चिन्ना पांडे ने मिलकर हमारे एक दुश्मन को मार के गिरा दिया। ऐसा क्या? हाँ जीजा जी। किसने किया ये सब? मैंने करवाया सर, कल्लू रमेश और चिकना पांडे को आपके लिए मैंने खरीद लिया है सर। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ।
हमारे भाई जब जिंदा थे तो 20% कमीशन लेते थे, और अब काम फायदे में होगा, आधा आधा 50%। आगे पीछे बिना सोचे समझे डायरेक्ट 50% की डिमांड करोगे तो हम इतना कैसे दे सकते हैं सर? 50% देने को तैयार हो तो ही यहां पर बिजनेस कर सकते हो। आज के बाद 10 लाख के ऊपर का कोई भी रजिस्ट्रेशन मेरी जानकारी के बिना नहीं होना चाहिए। जल्दी आओ ब्रदर। वाह, आज सुबह 7 बजे तैयार होकर जा रहा है, क्या मैटर है? लव मैटर है। हे, लव? किससे? अभी सेट नहीं हुई है, बताऊंगा। ब्रदर, अरे वो कौन है ये तो बता, मैं सेट करता हूँ ना। ब्रदर, भाई का फर्ज छोड़कर ससुराल होने का फर्ज निभाओ। हाँ जी हाँ। ओके, हमारी किरायेदार टीचर। क्या, वो ऊपर वाली? हे, उसे तो पलक झपकते ही सेट कर लेंगे, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। चलो उसे बुलाओ जो आपके पीछे खड़ी है। अरे बाप रे। गुड मॉर्निंग मिस। उस लड़के से बात करना इतना आसान नहीं। जानता हूँ। ये क्या कह रही हो बेटी? हाँ माँ, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे एमए का एग्जाम भी देना है। ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? माँ कहाँ ले जा रही हो? आओ आंटी अंदर आओ। माँ जी, वो ऊपर वाली आंटी आई है। ये घर तक आ गई। आइए 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 बैठिए। बाप रे, कहीं मेरी शिकायत करने तो नहीं आ गई? आइए बैठिए ना, कोई बात नहीं। साहब घर पे नहीं है क्या? वो बाहर गए हैं, कहिए क्या बात है। नहीं कुछ नहीं, एक लड़का मेरी लड़की को बस स्टॉप पे बहुत परेशान कर रहा है, और वो क्या है ना, इसके पिता यहाँ नहीं है, आप भाई साहब से जरा कह देंगे उस लड़के को समझाने के लिए, प्लीज मेहरबानी होगी। आंटी, बस स्टैंड पे? हाँ। मम्मी, इस मैटर को मैं संभालता हूँ, आप अंदर जाइए। कौन संभालेगा? तुम संभालोगे? भाभी, मैं मारपीट या चाकू छुरी की बात नहीं कर रहा हूँ, इस मैटर को मैं सॉल्व करूंगा। देख पहले से ही देखिए चूल्हे पर कुछ चल रहा है, जाइए। बेटा नहीं, बेटा जाओ। माँ प्लीज। बच्ची, जो लड़का तुम्हें परेशान कर रहा है उसे बताया नहीं कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ? क्या रिश्तेदार? मेरा मतलब मकान मालिक हूँ। नहीं, तभी तो ये मसला खड़ा हुआ है। आंटी, इससे कहो परेशान करने वाले को मुझे दिखाए, बाकी मैं संभाल लूंगा। सुन मालिनी, भाई को साथ लेकर जाओ और उसे लड़का बता दे। हाँ? क्या क्या आंटी, ये रिश्ता तो नहीं है। तो क्या रिश्ता है? नहीं, आप बच्ची का मुझे भाई बोल रही हैं और आप छोटा कहकर बुलाती हैं, तो रिलेशन क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा। सही कहा बेटा, ए, अंकल को ले जाकर वो लड़का दिखा देना। बुढ़ा बना दिया। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं आंटी। बच्ची, ये इंतजार करो, मैं तैयार होके आता। बिटिया तू यहीं पर रुक, मैं बैग लेकर आती हूँ। आंटी बैठिए ना। बोल भाई। बंगाली, एक छोटा सा लफड़ा है यार। वो रहा चेक शॉट वाला। वो है, ठीक है आगे जा। अरे जानेवान, कितने दिन से तेरे पीछे पड़ा हूँ और तूने अब तक कोई जवाब नहीं दिया, जानती है मैं कितना चाहता हूँ तुझे। सुनो, हमारी बस आई थी, एक बार कुछ बोल के तो जा। अरे पता तो चले तू मुझे चाहती है कि नहीं, बोल तो, जवाब तो दे। रुक 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 रुक, क्या हुआ यार? तू आगे जाएगा तो वो कैसे जानेगी? ये सब मैंने किया है, मैं आगे चलता हूँ, तुम पीछे आना, इफ यू डोंट माइंड। करोगे ना ऐसा? तो फिर चलिए। थैंक यू। इतना दिखावा क्या करता है ये? अरे हाँ यार, लड़की लोग का चक्कर बड़ा खराब होता है। हेलो ब्रदर, तुम्हारा नाम राजेश है क्या? नहीं, बालू। नाम तो तेरा अच्छा है मगर कैरेक्टर अच्छा नहीं है। इंसान का कैरेक्टर उसके लिए बहुत मायने रखता है। जानवर बेजुबान होते हैं मगर इंसान नहीं, वो कच्चा मांस खाते हैं लेकिन इंसान खाने जाता है तो दांत पड़ जाते हैं। इंसान गाड़ी भी चलाता है तो रास्ता देख कर चलाता है। ये सब देखेंगी तो चक्कर खा के गिर जाएंगे, इसलिए यहीं बैठी है।
आप तो जा सकते हैं ना? मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है ना। गुस्सा आ जाए तो अलग बात है, गलती से एक आध का खून हो गया तो बेवजह में पुलिस कोर्ट कचहरी चालू हो जाएगी, अच्छी बात नहीं है ना। भैया समझ गई। वो मेरी पत्नी है, दोबारा भूल के भी ऐसा मत करना ठीक है, वरना अगली बार ऐसे नहीं समझाऊंगा। वो चला गया। कहाँ पर? उसके साथ टेलर की दुकान पे। पहले नहीं बता सकता था, डायलॉग मिस हो गया। प्यारे ब्रदर, आज से टीचर जी को मत छेड़ना क्योंकि तू उसे पसंद नहीं है। टीचर के बारे में बोल रहे हैं क्या ये? तू मुझे मत समझा, वो खुद आके बताएगी। वो कह दे कि तू उसे पसंद नहीं तो तू पीछा छोड़ देगा। ऐसे कैसे छोड़ दूंगा, उसको मैं पसंद नहीं हूँ लेकिन वो तो मुझे पसंद है। अगर उसे पसंद नहीं है तो उसे परेशान नहीं करना चाहिए। अबे शाणे, चल निकल यहाँ से, हवा आने दे, चल। लगता है तू प्यार से नहीं मानेगा। आस्तीन के ऊपर चढ़ा रहा है। मैं प्यार से बात करता हूँ और ये लाद से समझाता है। चलो तेरी बारी। ए भाई, एक चाय हो जाए। ए क्या कर रहा है? ए जान बचा के भाग जा, तुम डरो मत, बच्चे कट्टी खेल रहे। तो डाल इसे। तूने शर्ट क्यों फाड़ी? मारा मारी का सबूत फटी शर्ट से दिया जाता है। ए, ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे रे रे, इन्हें अच्छा राशन पानी मिल गया। बच्चे बाहर आ जाओ, झगड़ा खत्म हो गया। बच्चे पैदा होने के 4 महीने बाद बच्चा करवट लेता है, 6 महीनों में घुटने पे चलता है, 9 महीने में पैरों पे। ड्राइविंग के अनुसार हर चीज रफ्तार पकड़ती है। आज के बाद ये लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, और कोई परेशानी आए तो मुझे याद करना। थैंक्स। भगवान के लिए आप भी मुझे दोबारा परेशान मत कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। चिड़िया तोड़ गई। रुको गाड़ी, रुको गाड़ी, रुको। क्या हो गया भाई? अरे क्या हुआ इसे? पता के नीचे तो क्या था? हो गया बहुत बुरा हो रहा। सर, उसने अपनी हरकतें चालू कर ली, इसको मिला के 4 जाने जा चुकी है। 60 फुट की परमिशन ली थी, 300 फुट खुदवा चुका है। अब रोजाना एक मजदूर की जान जा रही है। अब हमें कौन सहारा देगा? उसकी मनमानी हद से ज्यादा बढ़ रही है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा सर। अच्छा सुनो, तुम्हारे कैरेक्टर को जाने के लिए एक छोटा सा टेस्ट लेना होगा। कैसा टेस्ट? जो सवाल मैं पूछूं उसका सही जवाब देना। रात को 11 बजे एक बस स्टॉप पर 2 लोग मदद के लिए खड़े हैं। एक खूबसूरत लड़की अपनी जान की हिफाजत के लिए खड़ी है और एक सीरियस बुजुर्ग आदमी भी वहाँ पर मौजूद है। और तुम गाड़ी से वहाँ पहुँचते हो, उनकी मदद कैसे करोगे? एक खूबसूरत लड़की की जान बचानी है और एक सीरियस बुजुर्ग को भी। इसमें क्या है, दोस्त के साथ गाड़ी में उस बुजुर्ग को अस्पताल भिजवा दूंगा और लड़की के लिए रात भर बस स्टॉप पर खड़ा रहूंगा, फिर उसे लाइफ पार्टनर बना लूंगा। पर कैसे? ये तो मेरे लिए बाया हाथ का खेल है। तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो।
ए, ये तो वो शैलू है ना? मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो लड़की कौन है? तू रो मत। मैंने कहा ना रो मत। ये क्या है? ये उससे प्यार करता है और लड़की के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। सुनो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करो। डरो मत, घर जाओ। आशा जी। वेटर, बिल लाओ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ शिवा। ठीक है, मैं चलती हूँ। hey, बात क्या है यार? वर्णी मेरे पड़ोस में ही रहता है। उसकी माँ बहुत बीमार है। उसकी माँ को इंजेक्शन देने बार बार उसके घर जाना पड़ता है। घबराइए मत माँ जी, ठीक हो जाएगा। अंदर ही अंदर हमारे घर वाले और उसके घर वालों के बीच क्या बात हुई मुझे नहीं पता। मुझसे बिना पूछे ही मेरी शादी तय कर दी उससे। उसी दौरान उसकी माँ की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और वो चल बसी। और माँ के गुजरने के बाद वो एक दिन मुझे ढूंढते हुए अस्पताल पहुँच गया। ये बात मैं माँ के मरने से पहले ही तुम्हें बताना चाहता था। देखो, बात दरअसल ये है कि उनके मरने से हमारी शादी रुक गई। अब तो शादी कर लो। वो शादी के लिए मुझे जबरदस्ती करने लगा और मेरी बात ना सुनकर चिढ़कर चला गया। उसके बाद मुझसे वो रूडली बातें करने लगा और अक्सर रात में पी के आके गंदी गंदी गालियां देने लगा। इसलिए मैंने वो मोहल्ला छोड़ दिया और दूसरे मोहल्ले में रहने चली गई। पर वो वहाँ पर भी आ गया। बोल देता हूँ मैं तुम्हें। अरे तुम बीच में मत पड़ो। भैया को मत मारो। तुमसे बोला ना, तुम बीच में मत आओ। मैं सब संभाल लूंगा। देख, तो चुपचाप मेरे घर पे आ जा, नहीं तो मैं फिर से तेरे घर पे आ जाऊंगा। मैं तुझे 3 दिन का समय देता हूँ, उसके अंदर फैसला कर ले। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। उसके हाथ पर काट कर खटिया में डाल देते हैं, तभी उसे दर्द का एहसास होगा। पागलों जैसी बात मत कर, वो हमारी हवा निकाल देगा। देख, वो मरने मारने से नहीं डरता, इसलिए हमें लफड़ा नहीं करना चाहिए। पागल जैसी बातें मत कर। मेरा प्यार मुझसे छीन कर कोई ले जाएगा और मैं देखता रहूंगा। बेवकूफ, पागलों जैसी बातें करता है। 7 साल से प्यार करता हूं, ऐसे ही छोड़ दूंगा क्या उसे? तू उसके बारे में जानता है ना? ये मैटर इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। ये बात शेर सिंह तक जरूर पहुंचेगी। समझा कर यार। किसने मारा ये पता चलेगा तब ना। देख छोटे, लेन देन की बात होती तो कुछ करके पटा लेता, लेकिन इसमें तू टांग मत अड़ा। तू जा। नंदो। जी भाई। 1 मिनट, आज से पहले मैंने आपकी कोई बात काटी है क्या भाई? आप दोनों के झगड़े में मैंने हमेशा आपका ही साथ दिया है, लेकिन इस समय 4 मजदूरों की जान जा चुकी है भाई। भगवान के लिए आप आगे की खुदाई का काम रोक दीजिए। छोटे, पूरे स्टेट में मेरी 180 बसें चलती हैं, उनमें से 8-10 आदमी एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। क्या करें, उसके लिए बसें चलाना तो बंद नहीं कर सकते ना। काम तो चलते रहना चाहिए। लेकिन ये बात उससे अलग है। कैसे समझाऊं? हाँ भाई। सुनो, मरने वालों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए बढ़ा कर दे देना। ठीक है भाई। ये क्या बात हुई? मैं उनके जिंदगी के बारे में बात कर रहा हूँ और आप पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। मरने वालों के परिवार के बारे में भी सोचिए। हर घर में बच्चियां हैं और मेरा भी एक परिवार है। उनकी मौत का आप मुझे अपने साथ जिम्मेदार बना रहे हो। देखिए भाई, ऊपर तक कंप्लेंट करने के लिए मजबूर मत कीजिए। अच्छा यही होगा कि आप खदान का काम रोक दीजिए। नहीं भाई, नहीं नहीं भाई, पता पड़ जाएगा भाई। छोड़ दीजिए उन्हें, छोड़ दीजिए। बाद में बात करना। चलो अभी बात मत करो। चलो भाई, गुस्सा है, मेरी बात मानो। अभी जाओ, तुम जाओ जाओ, बाद में आना। हाँ बोलो माँ। बहू माँ बनने वाली है, ये कंफर्म हो गया। बच्चों के अच्छे कर्म पर माँ बाप खुश होते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। आज तो फिर से बाप बनने वाला है, ये बात सुनने के बाद भी तो कितना उदास है, क्योंकि तो मार खा गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन याद रखो, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। तुम
एक बच्चे नहीं रहे, अब समझदार इंसान हो। जरा गौर से सोचो और इसके बाद जो तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। मदुराई इलाके में खदान के देखरेख करने वाले सरकारी अधिकारी एन के ज्ञानेश्वर जी ने ग्रेनाइट माफियों के खिलाफ बहुत सख्त कदम उठाए हैं। उस गांव के ग्रेनाइट माफिया सरगना रवि शेर सिंह राजा के खिलाफ काम रोकने के लिए अदालत में सख्त पिटीशन दायर किए हैं। उसी की बदौलत कोर्ट के आदेश पर सारा काम रोक दिया गया है। और ये भी उस पिटीशन में दायर किया गया है कि जितनी खुदाई करने के आदेश दिए गए थे उससे खुदाई करने की वजह से कई मजदूरों की जानें भी जा चुकी हैं। कल ही मर जाना चाहिए भाई, ये बात तो न्यूज में भी आ गई। हम इतनी जल्दी कुछ करें वो तो मरेगा। ए, इस तरफ से जाओ। आ गया आ गया आ गया यार। आजा जल्दी, आना जल्दी, चल चल चल, बैठ बैठ। भाई लेटे रहो, लेटे रहो। कौन था? सुन, आशा की पूरी फैमिली यहाँ शिफ्ट हो गई है, तू भी कुछ दिन के लिए अपने गांव चला जा। हाँ, मैं तुझे फोन करता रहूंगा, संभाल के जाना। हाँ दोस्त, होशियार रहना। हाँ ठीक है। नंदू। हाँ भाई। ये किसने किया, जरा पता लगाओ। ठीक है भाई, लगाता हूँ। हेलो। हाँ भाई, मैं दत्ता रोड क्रॉस कर चुका हूँ, अब क्या करना है? भाई दत्ता रोड क्रॉस कर चुका है वो, ऑफिसर को फोन लगाओ। जी हेलो सर। हेलो ऑफिसर। हाँ बोलिए सर। मैंने तुझे क्यों फोन किया पता है? क्योंकि तू मरने वाला है, बहुत करीब है। मौत इतनी भयानक आवाज के साथ आती है, वो जिंदा है या मर गया पता लगाओ।
हम हॉस्पिटल में हैं, बाद में फोन करता हूँ। सर मेडिकल ऑफिसर आप लोगों को बुला रहे हैं, जाकर मिल लीजिए सर। आओ। संभल कर, संभल कर। ये लीजिए, इस पे साइन कीजिए। ए, इस रिपोर्ट में लिखा है कि वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और एक्सीडेंट में मर गया। ये क्या कह रहे हो तुम साहब? मेरा लड़का शराब बिल्कुल नहीं पीता था। किसका बेटा आपके सामने बैठकर शराब पीता है? चलो चुपचाप साइन करो। साहब, मैं मेरे बच्चे को जानता हूँ। साहब, वो शराब नहीं पीता था। ए, मेरे सामने फालतू बकवास मत करो। चुपचाप साइन करके उसकी बॉडी लेकर जाओ। चलो साइन करो। भाई, इसके पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गलत तरीके से चल रहा वो खदान का काम उसी ने बंद करवाया था, इसीलिए उसकी जान गई। इसके पीछे जरूर कोई पॉलिटिक्स है। मुझे मेरे बच्चे का फिर से पोस्टमार्टम करवाना। हो गया, हमने कर दिया। तुम क्या कर लोगे? तुम्हारे लड़के ने बहुत सही किया था क्या? तुम्हारे लड़के की वजह से मैं कितना नुकसान हुआ? चलो फटाफट साइन करो और निकलो, नहीं तो। ए, तुम लोग मेरे बच्चे के खूनी हो, उसे तुमने मार डाला। नहीं, मैं इस पेपर पे साइन नहीं करूंगा, मैं साइन नहीं करूंगा। भाई साहब, हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। हाँ, कोर्ट जाएंगे। क्या कहा? कोर्ट जाएगा तू? ए, इसका साइन कहाँ करना है? चलो यहाँ करो। ये ले तेरा साइन हो गया। इसे लेकर कोर्ट में जाना और 10 साल तक चक्कर लगाते फिरना। मैं भी देखता हूँ तू क्या कर लेता है। जा, जाना। नहीं। जा, जा, जा। ये लोगों ने अच्छा नहीं किया। तुम्हें ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। तुम बहुत बुरी मौत मरोगे। ये एक पाप का श्राप है। बेटा हुआ है सर। चलो अब केक काटो। चलो दादा को खिलाओ, दादाजी को। चलो चलो अभी दादी को, अभी मम्मी को। अरे बात चॉकलेट बोला। अरे बाप रे, अरे जन्मदिन के दिन से मार रही हो? अरे छोड़ो इसे, अरे क्या कर रही हो? नहीं नहीं, चलो चलो छोड़ो 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 छोड़ो। अरे वो पीछे गिर गया, चलो उठाओ उसे। अरे क्यों बच्ची को परेशान कर रहे हो, छोड़ दो उसे। क्या क्या कर रही हो? जाने दो। अरे भाग्यवान, इसके जन्मदिन के दिन भी इसे मार रही हो, कैसे हो रहा? तो तुम लाओ, ये लो बेटा, चलो 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 चलो। अरे
बहू एक ही ग्लास चावल निकाल रही हो, ढाई ग्लास निकालना। अब हम चार ही हैं ना माँ, बहुत हो जाएगा। अरे क्या हुआ सर? ले पानी पी ले। सर यहाँ नागराज कौन है? क्यों, क्या बात है? उनके नाम का एक स्पीड पोस्ट आया है। ला मुझे दो। ये ऊपर से आया है इसीलिए उन्हीं के हाथों में दूंगा। वो मेरा बेटा था, चार दिन पहले चल बसा। अरे रे, आई एम सॉरी सर, आप ही साइन कर दीजिए। बसें, प्राइवेट गाड़ियां, विदाउट लाइसेंस के कितने सारे लोग चलाते हैं सर। अब हम लोग अगर इनकी न्यूज को छापने लगे तो छपी हुई खबर को गलत साबित करके ये लोग उल्टा हमारे ऊपर ही केस कर देंगे सर। और सिर्फ इतना ही नहीं सर, पुलिस रिपोर्ट में एक्सीडेंट से मौत हुई है, ऑफिशियल रिकॉर्ड में भी यही है, इसलिए हम आपकी न्यूज़ नहीं छाप सकते सर। इसलिए आप उसे भूल जाइए सर। भूल जाए? कैसे भूल जाए? मरने वाला कोई और नहीं, मेरा बेटा था। सर मुझे इस गांव में आए पूरे 35 साल हो गए हैं। जब मैं पहली बार पाप बना, उस नन्ही सी जान को डॉक्टर ने मेरे हाथों में थमाया था। बच्चे को खोले का दर्द बाप का कलेजा जानता है। उन खूनियों को चाकू घूम घूम के मारना चाहता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, इसलिए आपके पास आया। साहब, जो मेरे बच्चे के साथ हुआ ऐसा किसी दूसरे बच्चे के साथ ना हो, इसलिए भगवान के लिए कुछ कीजिए सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। ए, उधर ऐसे क्यों देख रहा है? शेर सिंह ने खून करवाया। मेरे भाई की जान एक्सीडेंट में नहीं गई, उसका मर्डर हुआ है, उसे मरवाया गया है। मर्डर हुआ है? ए, ये बात तू कैसे जानता है? तुम लोग खूनी हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, ये बाप का श्राप है। अरे यार, जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम मत उठाना। ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं जानता हूँ वो लोग बड़े खतरनाक लोग हैं यार, जल्दबाजी में ऐसी कोई गलती मत करना कि तेरी जान पर बना है। सैदू को देख, इस गांव से बाहर जाकर अनाथ की तरह जी रहा है, इसीलिए कह रहा हूँ। प्लीज यार। नहीं, मेरे भाई का खून हुआ है, ये बात मुझे पता नहीं चलती। तो मामला और था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है तो मैं खामोश कैसे रह सकता हूँ? मेरा परिवार मातम में, मेरी भाभी के पेट में पलने वाले बच्चे ने क्या गुनाह किया बोल? कल वो बच्चा अपने पिता के बारे में पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? शेर सिंह को मारना है अब। जरा आहिस्ता बोल यार। हम उसे मारेंगे, लेकिन उसे किसने मारा ये बात किसी को पता ना चले। कुछ ऐसी प्लानिंग करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। यार तेरा फोन वाला आईडी लगता है पास हो जाएगा। ये क्या यार, क्या फिट कर रहा है इसमें? कैमरे की शक्ल में ये एक ट्रांसमीटर है, इस फोन से आने जाने वाले सारे कॉल्स इसमें रिसीव होंगे।
अगर किसी भी तरह ये फोन उस तक पहुंच जाए तो हम उसकी सारी बातें सुन सकते हैं। कहाँ जा रहे हो? वो नंद कुमार भाई ने फोन लाने के लिए कहा था, वही उन्हें दिखाने जा रहा हूँ। भाई 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 नमस्ते। भाई आपने फोन मंगवाया था क्या? अरे भाई, तो भाई ने कहा मांगा था, मैं खुद ही लेकर आया हूँ। अरे भाई भगवान के भगवान, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए भाई। कौन है यार ये? भाई मैं मंदिर जाकर माँ को प्रणाम करके सीधा आपके पास आ गया हूँ। भाई भाई आपके आशीर्वाद से मोबाइल का एक छोटा सा दुकान मैंने शुरू किया। भाई इस शहर में काम शुरू करने से पहले आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। भाई वो आपकी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। भाई सब इम्पोर्टेंट है भाई, रख लीजिए, आज के लिए है। भाई इनको भी जरूरत हो तो हमारे पास भेज दीजिएगा। भाई बस भाई आपका आशीर्वाद इस गरीब पर बना रहे तो मैं धन हो जाऊंगा। भाई जाता हूँ। भाई मोबाइल का सवाल है, प्रीपेड पोस्टपेड टॉप अप कुछ भी चाहिए तो आप हमें इजाजत दे दीजिएगा। भाई बस सब काम हो जाएगा। चलता हूँ भाई। अरे अरे बड़े मालिक से मिलने की खुशी में आपसे मिलना भूल गया मैं तो। आपका आशीर्वाद तो और भी जरूरी है भाई। ये आपके लिए भाई, हमेशा अपनी जेब में रखिएगा। भाई मैं समझूंगा कि आपने मुझे अपने दिल में रख लिया। ठीक है भाई, कभी भी रिचार्ज की जरूरत पड़े तो हुक्म कीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। चलता हूँ भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। ए, काम हो गया? उसे दे दिया? दे दिया भाई, कुछ देर में वो लोग बात करना शुरू कर देंगे। एक मिनट। हेलो सर, बात कुछ हद से ज्यादा आगे बढ़ गई है। अच्छा होगा कि हम आमने सामने बैठ के बात करें, इसलिए अपने साथ भाई को भी लेके आना। ठीक है सर, कहाँ पर आना है? हमारी पुरानी जगह पर, तुमसे वहीं पहुँचो। ठीक है सर, पहुँचता हूँ। क्या बात है भाई साहब, आप इस वक्त? मेरे दिमाग में एक बात आई है। हाँ बोलो ना, क्या है? तुम किसी ऐसे को जानते हो जो पैसे लेकर खून करने के लिए तैयार हो? कोई हो तो बताओ मुझे। ये पूछने के लिए इतनी रात आए हो? तुम जानते हो या नहीं ये बताओ। इसमें पैसा बहुत खर्च होगा। कोई बात नहीं, चाहे जितना भी खर्च हो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। हम जिससे मिलने जा रहे हैं वो अपने शहर का बहुत बड़ा आदमी है, जैसे यहाँ शेर सिंह है वैसे ही वो वहाँ है। चलो आओ, हमें साहब से मिलना है। नमस्ते। आओ बैठो। ये है कहानी। ए, इन्हें हमारे असूलों के बारे में बता दो, ले जाओ इन्हें। ठीक है भाई। भाई साहब एक मिनट आइए जरा। जो काम भाई को पसंद नहीं आता है वो काम ये कभी नहीं लेते। और कोई होता तो भाई दो सेकंड में काम कर देते। वो क्या है कि मामला लेवल का है ना, इसलिए भाई ये काम नहीं करेंगे।
अले 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 देख 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 तो कौन आया है। चाचा आया है ना? इसकी नाक बिल्कुल भैया जैसी है ना? मेरा प्यारा चा भतीजा। ए जी, इसे देखिए ना, आपका बेटा है, आपका छोटा बेटा है। केस फेस के बारे में मैं संभालूंगा, तुम करोगे या नहीं ये बताओ। आपके लिए करूंगा। ये मेरे घर के कागजात हैं। आइए अंदर आइए। जी दीदी, जीजा से कोई मिलने आया है? जाइए, वो अंदर है। काली, इसमें 20 लाख हैं, उसमें 5 लाख कम है, ठीक है? अभी रख लो, काम होने के बाद मैं भिजवा दूंगा। भाई साहब, मैं उसका इंतजाम करके लेके आया, पूरा है। लेकिन कहाँ से? बड़े बेटे की सर्विस और फंड का पैसा था, वो सब इसमें डाल दिया। ठीक है ठीक है, दे दो। पार्टी का मैंने पता लगा लिया, मदुरई में एक बहुत बड़ा आदमी है, हाथ में काम लिया है तो पूरी तरह से करके रहूंगा। मैं बाहर से लोगों को बुला रहा हूँ, आपका ये काम हर हाल में होकर रहेगा। देखो काली, काम हो जाना चाहिए। हाँ, मुझ पर भरोसा करके आए हैं ना, तो निश्चिंत रहिए। साहब, आपका फोन बज रहा है, देखिए किसका है। जाइए, फोन उठाइए, सब ठीक हो जाएगा, जाइए। हेलो एजी, मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलो। शादी की बात करने के लिए गए हैं ना? हाँ, मैं शादी की ही बात कर रहा हूँ। पक्की मत कीजिएगा, हमारे ऊपर भाड़ेदार की बेटी है और हमारा छोटा बेटा उसे बहुत पसंद करता है, इसलिए मैं कह रही हूँ। कोई बात नहीं, खैर अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। हाँ जी, आता हूँ। अरे भाजी नहीं लोगी क्या? आज के लिए भाजी है दीदी। हाँ बोलो, क्या बात है? जरा ऊपर देखो। बोलो ना, क्या बात है? अंदर जाओ, पता चल जाएगा। शादी तो हम 1 साल के बाद ही करेंगे, लेकिन बातचीत तो आज तय कर सकते हैं ना। जी, धामा जी आ गए। नमस्ते बेटा। नमस्ते जी। मैं लड़की का पिता हूँ। जानता हूँ जी, मैंने फोटो में आपको देखा है। हाँ बेटा, माँ बैठो बैठो। क्या बात है बेटा? माँ, मेरी शादी के लिए इतनी जल्दी क्या है? अरे बहुत दिन बाद इस घर में खुशियाँ आई हैं। अब चुपचाप मान जा, हम देख लेंगे। माँ, देखना यार, बिना सोचे समझे ये क्या कर रहे हैं? ए, तू पापा को आराम से समझा कर देखना। मैं उन्हें क्या समझाऊँ? हाँ, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे किसी का खून करना है, खून करने के बाद ही मैं शादी करूंगा। तुझे पता है, मैं मना कर दूं फिर भी ये लोग मेरी शादी करवा ही देंगे। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कुन्नूर, त्रिची चंद्रपटी त्रिउल्ला, तंगरी थिएटर। 1 साल के अंदर इन तीनों में से एक को हमें मारना है। और हाँ, त्रिची चंद्रपटी त्रिकला में पुलिस का पहरा अक्सर लगा रहता है, इसलिए वहां रिस्क है। थिएटर में 10 मिनट का इंटरवल होता है जब वो बाथरूम में आएगा, लेकिन तब भी उसके चमचे उसके साथ में होंगे। अरे हाँ, कुन्नूर सही है। मिनिस्टर से मिलने के लिए शेर सिंह अक्सर कुन्नूर जाता ही रहता है, और उसके साथ ही उसकी पूरी पलटन भी जाती है। शाम को 6 बजे शेर सिंह का बाप श्राद्ध में जरूर आता है, और ऐसे टाइम में वो कम तामझाम लाता है, और यही मौका है उसे मारने का। Thank you.
गाड़ी हटा बे। ए, गाड़ी हटा ना, गाड़ी हटा वरना। ये आवाज कैसे? ए, आजा। वर्नी, रास्ते में कुछ अनजान लोगों ने हमें घेर लिया है। अरे मार, इसको मत छोड़ना। किसने भेजा तुझे? किसने भेजा तुझे? छोटे गांव के एक डॉन ने आपको मारने की सुपारी ली है। मैं सच कह रहा हूँ। क्या तमाशा हो रहा है क्या? चलो निकलो यहाँ से। आपको सुपारी दी गई है, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मुत्तो, वो कॉफी कलर का स्वेटर पहना है ना, जरा पता लगाओ कौन है। कौन है? यहाँ तो कोई नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, साहब मुझे जाने दो। मैं सच कह रहा हूँ। जल्दी खाना बेटा। ए, अरे जबरदस्ती क्यों खिला रही है इसे? वो खुद कहाँ खाता है? और क्या वेस्ट कर देगा? आंटी, बेटा, मुझे चाहिए। छोटे मामा, कोई भी फोन नहीं आया है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। राजा को फोन करके कहो, गाड़ी ले जाकर देखे कि क्या हुआ है। ठीक है। छोटे मामा, सामने देखिए, वो हमें देख रहे हैं। हाँ, तुम्हारा काम हो जाएगा, बस टाइम पर पैसा आ जाना चाहिए, समझ गया ना? बाद में बात करता हूँ भाई। यही है वो। तुम्हारा नाम काली है ना? आप कौन है? इस शहर का राजा शेर सिंह। पापा, पापा, चाचा का फोन है। बाद में बात करूंगा। चा, सुपारी किसने दी? सुपारी देने वाले को मैं नहीं जानता, वकील ने मुझे मजबूर किया था भाई। वकील कहाँ मिलेगा? हेलो। हेलो, क्या हुआ भाई साहब? मैं कितनी बार फोन किया आपको, आपका फोन बंद आ रहा था। मुश्किल हो गई है, काली के आदमी मारे गए, इसलिए मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया और छुप गया हूँ। मैं तुम्हें फोन करूंगा, ठीक है? अरे तो भाई साहब, हमारा काम होगा कि नहीं? एजी, फोन पे बाद में बात करिएगा, पंडित जी बुला रहे हैं, जल्दी आइए। हाँ, नमस्ते। अब शुरू करते हैं। हाँ, ठीक। आने वाली पूर्णमासी के दिन 17 तारीख को शुभ मुहूर्त निकला है। ऐसे शुभ अवसर पर अनिल जी और चांदनी जी की सुपुत्री शिवांगी का शुभ विवाह, उन्हीं के घर के मालिक अनिरुद्ध जी और आरती जी के छोटे पुत्र शिव कुमार के साथ सबकी सहमति के साथ तय किया गया है। हेलो, आप काली भाई है ना? जी हाँ, आप कौन है? मैं वही हूँ जो शेर सिंह की सुपारी देने के लिए आपके घर आया था, याद है आपको? हे, मैं तुम लोगों का पता कब से लगा रहा हूँ, और वो वकील भी अपना फोन स्विच ऑफ करके बैठा हुआ है। मैटर बहुत बिगड़ गया, आप जानते हैं ना? जानता हूँ, फिर भी एक बार फिर से कोशिश करें तो। क्या कहा? फिर से कोशिश करूँ? अब ये काम मैं दोबारा नहीं कर सकता हूँ भाई, कल कोर्ट में सरेंडर करने जा रहा हूँ, दोबारा कब छूटूंगा मैं खुद नहीं जानता भाई। आप वापस आकर के अपना पैसा ले जाइए। पैसा तो मैं आपको एक बार दे चुका हूँ, तो वापस कैसे लूँ? रात को 8 बजे बस स्टॉप पर आकर अपना पैसा ले जाइए। हेलो भाई। हाँ बोल।
वो कौन है अब वो हमें पता चल जाएगा। आज रात को 8 बजे वो गांव के बस स्टैंड में आ रहा है, उसे वहां से पैसा लेकर जिंदा जाने नहीं देंगे। क्या हुआ यार? कुनूर में शेर सिंह को मारने के लिए जो काम था ना वो नहीं हुआ, इसलिए आज रात 8 बजे वो पैसा लौटा रहे हैं। पैसा लेने वाले की मौत तय है। बस रोक दीजिए। संतोष और डेट January 1st। सुन, इसे किसी भी तरह बचाना है। ए, हम दूसरे के लफड़े में क्यों पड़े यार? वो जो भी है मेरे जैसे ही होगा। मुझे उसको फोन देख जरा। अरे आप मुझे इनसे कुछ जरूरी बात करनी है, आप बाहर जाएंगे प्लीज? हम बहुत जरूरी काम कर रहे थे। मैं भी कुछ जरूरी बात करने ही आई हूँ, प्लीज बाहर जाइए। सच में हम थोड़ा बिजी हैं। जाइए ना। आप समझती क्या? जाइए ना। हमें खास डिलीवरी चाहिए, मैंने कहा। आप तो दादागिरी पर उतर आई हैं। मंगनी से पहले ही इतनी इज्जत दे रहे हो, शादी की बात तो पता नहीं। बस समझ गया। बेचारा बे मौत मरेगा, खेलने दो। ए, तुमने उसे इस तरह बाहर क्यों भेज दिया? और नहीं तो क्या करती, तुम्हारे पास तो मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। मंगनी की तारीख तो ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है, आधी घरवाली तो बन ही चुकी है। आधी घरवाली मतलब? बता तुम्हें क्या चाहिए? और कुछ नहीं जानू। फाइनल एग्जाम से पहले कहीं स्टूडेंट फेल ना हो जाए, हर मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली टेस्ट लिया जाता है। वैसे ही हमारी शादी से पहले। वो शादी से पहले? नहीं, हमारी फर्स्ट नाइट की जैसा। ची 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 ची। शादी से पहले लाइटली फीलिंग जगानी है। मेरा मजाक मत उड़ाओ, जाओ यहाँ से। अरे गुस्सा क्यों होते हो? समझ गए या नहीं समझे? समझ गया बच्ची, उसके लिए अभी दिन बाकी है, जाओ। नहीं जाऊंगी। सारे शैतान यहीं पे हैं, जरा संभल के हैं। यही है क्या?
जा। चाहिए नथिंग टू वरी, ज्यादा डिप्रेशन में आ गए थे इसलिए बेहोश हो गए। हाँ। आधे घंटे में ठीक हो जाएंगे। ठीक है आप उनके रिलेटिव्स हैं ना सर? ये है, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। वो मार्केट में बेहोश पड़े थे, ये सेल उनके पास था। आप उनके रिलेटिव को बता दीजिए। ओके, चलता ओके। चलो, उनका कोई फोन आया तो मुझे बताना, ठीक है? ओके सर। हे, ऐसा क्यों किया रे? किसी को पता ना चले कि पापा को मैंने ही हॉस्पिटल में एडमिट किया। इस उम्र में तेरे पापा को ये काम शोभा देता है क्या? मेरे पापा अपने दिल का दर्द कभी जाहिर नहीं करते। सोच, इस उम्र में अगर वो शेर सिंह को मारने की सुपारी दे सकते हैं तो भैया से कितना प्यार करते थे। आपको मार्केट में चक्कर आ गया और बेहोश गिर गए, वही काम करने वाले किसी आदमी ने आपको भर्ती किया। नहीं माँ, घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। बाबूजी बिल्कुल ठीक है, सिर्फ 24 घंटे ऑब्जर्वेशन के लिए रखने के लिए बोला है, कल डिस्चार्ज मिल जाएगा। नहीं आया क्या? मैंने उसे फोन कर दिया है, वो आता ही होगा। किसका फोन है? नाम नहीं आया है। हेलो, मैं वकील बोल रहा हूँ, सुना तुम पर हमला हुआ है? क्या तुम ठीक हो? रुको, मैं बाहर आके बात करता हूँ। मुझे छोटे गांव की काली ने फोन करके बुलाया था। क्या बात कर रहे हो?
उसे तो मार दिया होगा। भगवान की दया से बड़ी मुश्किल से बचाऊं, वरना वो मुझे भी मार देते। तुम्हें भी उन लोगों ने देख लिया क्या? हाँ भाई साहब, उन लोगों ने हमें देख लिया था। ये बात घर वालों को मत बताना और तुम कुछ दिनों के लिए छुप जाओ। ये आप कैसी बात कर रहे हो? घर वालों से ये बात कब तक छुपी रहेगी? घर पे रहो या बाहर रहो, बड़े की याद तो मुझे सताएगी। मेरा बेटा तो चला गया और मैं उसके खूनी का कुछ नहीं कर पा रहा हूं। का सर काटने को सोचा तो दूसरे ने आकर बचा लिया। इसका मतलब वो दोनों पूरा प्लान करके बस स्टैंड पे आए थे। मेरे पापा को वो पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। बचाने के लिए कौन आया था, हमें उसका भी चेहरा देखना है। वो पता चलते ही दोनों को एक साथ एक ही जगह में खत्म कर दूंगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है वो मुझे जानते हैं। वो शैतान मेरे पापा को छुए, इससे पहले मैं उसे मार दूंगा। 30 लाख रुपए देकर जो किराए के गुंडों को हायर कर सकता है। नमस्ते भाई। वो आगे भी बहुत कुछ कर सकता है। ए सुन, तुम अंदर आके मुझे मिलो। साधारण पब्लिक, मुझे मारने की सोचने वाली पब्लिक। ए पब्लिक में वो मेरा दुश्मन कौन था ये पता लगाओ। हर शिवरात्रि को शेर सिंह इस मंदिर में आता है, उसकी लाश इसी मंदिर में बिछाएंगे। वो मंदिर के फेरे लगाने के बाद इसी रास्ते से आता है। इसी पतली गली में हम शेर सिंह का काम तमाम करेंगे। ये रास्ता सीधा सुरंग की तरफ जाता है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर उस पहाड़ी पर सुरंग का दरवाजा है। हम वहीं से निकलेंगे। हम उसे यहाँ पर मारेंगे और इसके बाद उस रास्ते से उस पार चले जाएंगे। अच्छा सुन, जब मैं उसे मार कर आऊंगा तो तू यहाँ गाड़ी के साथ तैयार रहना, ठीक है? हाँ ठीक है, ओके। गैंगस्टर से वो आम आदमी कौन है पता लगाने के लिए हमने 13 लोगों को उठा लिया है। उसमें तहसीलदार भी है, गवर्नमेंट डॉक्टर भी है और रामू कमल नाम के जुड़वा भाई है। उनके साथ गंगानगर का ऑटो ड्राइवर है, आपके फ्रेंड आरडी सिंह साहब और सनग्लासेस फैक्ट्री के पटेल साहब है। छोटा मनी और पतली गली के रमेश से मैंने अच्छे से पूछताछ कर ली है, लेकिन उनसे भी कुछ खास पता नहीं चल पाया है। हमारे डिपार्टमेंट के कुछ खास लोग जैसे ग्रेनाइट ऑफिसर नागराजा और MLA उपाध्याय साहब, SI गुप्ता जी, इनसे भी पूछताछ की है। मुझे पूरा विश्वास है इनमें से ही किसी के रिश्तेदार का ये काम है। तुम डायरेक्ट जाकर उठा कर लाओगे या पुलिस को साथ लेकर जाओगे ये मैं नहीं जानता। उनके सारे रिश्तेदार मेरे आंखों के सामने होने चाहिए। भाई, मिनिस्टर का फोन आया है, वो आज रात आपसे मिलना चाहते हैं। किस मैटर में? ये तो नहीं बताया। मिल लेंगे भाई साहब, आपसे मिलेंगे आज। तो फिर हर बार हम जहां मिलते हैं उसी जगह पर मिलेंगे शाम को, ठीक है सर? साथ में देखेंगे मैटिनी शो। कमिश्नर का फोन आया था, आपको और आपके बेटे को कल उसके ऑफिस पहुंचना है। कमिश्नर के ऑफिस पर किस लिए? वो सब बातें आपको बाद में बताएंगे, अभी आपका एक बेटा है ना, उसे भी लेकर ऑफिस पहुंच जाना। याद रखना, कमिश्नर के ऑफिस पहुंचना है, कमिश्नर का ऑर्डर है। चलो ए, और कोई बचा है क्या? सबकी खबर लेते हैं। हाँ सर, बोलिए सर। नंदू, तुमने जो लिस्ट दी थी ना, उन सारे रिश्तेदारों को इन्फॉर्म कर दिया। वो सारे लोग सुबह 10 बजे कमिश्नर के ऑफिस पहुंच जाएंगे। ठीक है सर, मैं भाई से बात करता हूँ। भाई, जो लोग हमें चाहिए थे उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है, वो कल कमिश्नर का ऑफिस पहुंच जाएंगे। अरे यार, आप पैसा तो इंटरव्यू है, देख लिया आगे क्या सीन बनता है। अरे पिक्चर तब खड़ी होगी मेरे भाई। अगली बार मेरे साथ तूने फोन किया था? हे अभी कहाँ है तू? थिएटर में। हे इस वक्त वहाँ क्या कर रहा है तू, पागल हो गया क्या? मंदिर में जाकर हम लोगों ने प्लान बनाया और तो थिएटर में फिल्म देख रहा है। जिस दौर से मैं गुजर रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। एक एक पल कयामत सा लग रहा है और मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा है। हाँ तो यही कोशिश करता हूँ, नहीं तो मंदिर में तुम्हारा नहीं है। देख यार, अगर वो तुझे नहीं जानता तो तू उसके पीछे बड़े आराम से जा सकता था यार, लेकिन वो तुझे। सुन, मैं बाद में फोन करता हूँ। हेलो हेलो,
ए अंदर कौन है? तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? ए बाहर निकलो, मैंने कहा बाहर निकल। क्या कर रहा था? बाथरूम कर रहा हूं। चल। भाई कोई नहीं है, चलिए। इसे मैंने कहीं देखा है। रुपए क्या नाम है? शिव कुमार। कौन से एरिया में? के नगर। के नगर में कहाँ? गणपति मंदिर के पास। ए उसे मत मार, जाने दे। मुझे क्यों मार रहे आप? के नगर गणपति मंदिर के पास मैं रहता हूँ, और तू भी वहीं रहता है क्या? बेवकूफ समझ के रखा है क्या? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूं। लगे तो आप ही पता कर लीजिए। जाइए। ए बिड़ो, मुझे इसके ऊपर थोड़ा डाउट हो रहा है, क्यों ना इसके बारे में पता कर लिया जाए। और साथ में कौन है तेरे? नहीं भाई, मेरे साथ तो कोई नहीं है। प्लीज मेरा शर्ट छोड़िए। मेरा शर्ट छोड़िए ना प्लीज। मेरा शर्ट छोड़िए, देखिए मेरा शर्ट छोड़िए प्लीज। हे क्या ये वो लड़का, मार डालो इसे। रुक, छोड़ना मत उसको। जाएगा कहाँ? रुक। कौन है? पता चल गया भाई, अपने एरिया का ही है। अब वो यहाँ से बच नहीं पाएगा भाई, हम लोग उसी का पीछा कर रहे हैं भाई। अबे जल्दी बता। हेलो रंगा, कहाँ है तू? घर पे। किसकी तलाश से? वो मिल गया, हमारे एरिया में ही है। क्या बात कर रहा है? अरे मैंने देखा उसे। पकड़ो उसे। ए रुक, ए पकड़ो उसे। आवाज मत करना। तुम यहाँ कैसे, और ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? सैदू को उन्होंने मार डाला। सैदू को गांव से फरार होने के बाद पुलिस वालों ने ढूंढ कर उसे कागजात पर साइन करवा लिया। पर नहीं, तो आके उसे खत्म कर दे। मैंने सिर्फ उसकी चंद सांसें छोड़ी हैं। मैं आ रहा हूं भाई, उसकी बची हुई सांसें छीन लूंगा। मुझसे यहां बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है। ए, जाओ जाके खेल खत्म कर देगा भाई। नहीं, छोड़ो मुझे। मेरे मिसे उसे मार डाला भैया।
भाई वो उधर है देखो शिवा वो लोग आ गए शिवा मरने आ गया शिवा भागो उठो शिवा जल्दी उठो शिवा उठो वहाँ से वो आ गए शिवा वो लोग नजदीक आ रहे शिवा उठो हमें यहाँ से भाग चलना चाहिए शिवा चलो हम लोग भाग चलते हैं शिवा उठो रुक रुक अरे भाई उठो ना भाई छोड़ेंगे नहीं भाई उसे छोड़ेंगे नहीं भागो जाएगा का तू शरीर मत कर पकड़ इसको पकड़ इसको घेर लो कहाँ जाएगा मान्या नंदू कमिश्नर को फोन लगा नंदू
चेक करो सब चेक करो, पीछे भी चेक करो, टोटल कितने चेक करो, गिनो। तुझे सिर्फ एक वजह से जिंदा छोड़ रहा हूँ। कितने मासूम लोगों की जान ली है तूने, उनकी हर सांस का हिसाब देना पड़ेगा तुझे, इसलिए इस काल कोठरी में जिंदा छोड़ रहा हूँ तुझे। ए कुत्ते, मुझे बाहर निकाल। सुन, मैं तुझे जिंदा छोड़े जा रहा हूँ ताकि तू तड़प तड़प कर मरे, तो यही मरेगा। ए, मुझे निकाल बाहर। ए, कोई है? अरे कोई मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो। मुझे कोई बाहर निकालो। हेलो पुलिस स्टेशन। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार में, पिछले 20 सालों से मदुरई में राज करने वाले ग्रीनाइट माफिया रवि शेर सिंह राजा की लाश एक गहरे कुएं से बरामद हुई है, वो भी गांव से 15 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह में। किसी ने उसे मारकर उस गहरे कुएं में फेंक दिया था। ये काम किसने किया है और क्यों किया है, इसका पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। सुनने में ये भी आया है कि रवि शेर सिंह राजा इंसान के वेश में एक खूंखार दरिंदा था और इसीलिए पूरे गांव वाले उसकी दहशत में थे और कोई भी उसके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसके खिलाफ पहले ही हत्या और धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हो चुके हैं। अब देखते हैं कि पुलिस इसके बाद क्या कार्रवाई करती है। आज के समाचार समाप्त हुए, नमस्कार। आज तुम्हारा मूड बड़ा खराब लग रहा है। लाओ नहीं भाभी, ये पैसे तुम्हें कहाँ से मिले? वो मैं पापा को बता देता हूँ। पापा, पापा एक मिनट। हाँ क्या है बोलो। अंदर आइए ना पापा, आइए मेरे साथ। क्या शादी के लिए 3 लाख रुपए मैंने निकाल लिए, बाकी 27 लाख इसी में है। भाभी एक बात कहूँ, आज जाकर मेरे दिल को सुकून मिला। अच्छा। मैं निकल रहा हूँ। छोटे जी, इधर इधर आ करो, आ करो। अरे कितना रो रहा है,
चलो चलो चुप जाओ। आज देवत जी और पापा को क्या हुआ? अरे वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसे मुझे तो कब से रो रहा है, अरे क्या नहीं हो रहा है, अब इसे बाहर घुमाना है। अरे मैं इसे चुप कराऊंगा। जा जा दादाजी क्या आ जा। आज से तू और मैं रोजाना घूमने जाएंगे।